नमस्कार मित्रों, भाग्य निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटापा कम करने के तरीकों के बारे में। हम किस प्रकार से अपना मोटापा कम कर सकते हैं, वो भी कम समय में और आसान तरीकों से। आप अपना मोटापा यानी कि वजन कुछ ही दिनों में कम कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा देखना होगा और बताए गए उपायों को अपना कर आपका वजन कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आपका मोटापा कम कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि कम खाना खाऊंगा तो वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कम खाना खाकर मोटापा को कंट्रोल किया जा सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि कम खाना या ज़्यादा खाना खाने से कभी वजन नहीं बढ़ता। बढ़ता है तो हमारे खाने के तरीकों के वजह से। हम खाना किस प्रकार से खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, जल्दी में या धीरे धीरे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोटापा कम करना आसान है, उतना मुश्किल भी, क्योंकि अगर आपको जल्दी से अपना मोटापा कम करना है तो आपको अपना एक टारगेट बनाना होगा, तभी आपका मोटापा कम हो पाएगा। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर, मोटापा कम करने के तरीके। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है शहद। दोस्तों, शहद आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। एक गिलास पानी के अंदर 3 चम्मच शहद मिलाकर पी लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका मोटापा कम होने लगेगा। दोस्तों, पानी यदि गुनगुना हो तो ये और भी अच्छा होगा। मोटापा कम करने के लिए दूसरा तरीका है पानी। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है जल ही जीवन है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जब भी पानी पीते हैं तब एक ही घूंट में सारा पानी घटक जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। ऐसा करने से मुंह में बनी लार आपके पेट के अंदर जाएगी, आपके पेट के अंदर बने एसिड को ख़त्म कर देगी और आपको मोटापा नहीं होगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आपको मोटापा घटता नज़र आएगा। मित्रों, हो सके तो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लेकिन कम से कम 7 लीटर से कम पानी ना पिए। दोस्तों, अब तीसरा उपाय है केला। अब कुछ लोगों का सोचना है कि केला खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें भी एक अलग तरीका होता है। मोटापा को कम करने के लिए आपको अधकच्चा पका हुआ केला खाना है। उसके साथ गर्म पानी पीने से आपका मोटापा कम होगा, क्योंकि ये हमारे पेट में ज़्यादा भूख लगने नहीं देता। मोटापा कम करने में कारगर साबित होगा। दोस्तों, मोटापा कम करने के तरीके में अब 4 नंबर में है नींबू। दोस्तों, नींबू से हमको बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मोटापा कम करने के लिए डेली 1 गिलास में 2 नींबू मिलाकर पिए। ऐसा करने से आपका मोटापा कम होने लगेगा। दोस्तों, 5वां तरीका है ग्रीन टी। जैसे कि हर कोई व्यक्ति आज ग्रीन टी पी रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूध वाली चाय पीने से मोटापा कम नहीं होता, ग्रीन टी पीने से ही क्यों मोटापा कम होता है? जब हम दूध वाली चाय पीते हैं तो पाचन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ग्रीन टी पीने से ऐसा नहीं होता है। मित्रों, पानी के अंदर 2 चम्मच जीरा डालकर पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके अंदर नींबू का रस मिला लें। गारंटी के साथ 15 दिनों के अंदर आपके 3 किलो वजन कम हो जाएगा। मित्रों, आप इस उपाय को केवल 15 दिनों के लिए ही करें, अन्यथा आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इन सब के अलावा हम आपको बताएंगे आपको मोटापा कम करने के लिए किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो उसके बीच में कम से कम 5-6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तब बीच बीच में पानी पीना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो पेट भर के खाना जरूर खाएं, पर रात के समय कम खाना खाना चाहिए तथा वॉकिंग पर जाना चाहिए। आपको खाने में हमेशा हरी सब्जी उपयोग में लेनी चाहिए। ज़्यादा तीखा या तेलीय आइटम का उपयोग बहुत कम करें। इसके अलावा आपको सुबह जल्दी उठकर घूमने जाना चाहिए, शाम को भी वॉकिंग पर जाएं, पैदल चलने की कोशिश करें। अगर कहीं दूर जाना हो तो साइकिल का उपयोग जरूर करें। यदि दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे भाग्य निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आपको मिलता रहे।